डिगरा शहर में बिजली प्रवाह बार बार ठप होने से बिजली ग्राहक परेशान हो चुके हैं। वहीं मोती नगर में अचानक पावर सप्लाई बढ़ जाने से कई घरों के विद्युत उपकरण भी नष्ट हुए हैं। ऐसे में परिसर वासियों में महावितरण द्वारा बरती जा रही लापरवाही को लेकर रोष व्याप्त है। जबकि बिजली विभाग की ओर से मोती नगर में DPDC के तहत एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर उक्त समस्या को हल करने का आश्वासन दिया गया है। पेश है डिगरा संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। एक तरफ डिगरा शहर में इन दिनों जहां लॉकडाउन की सख्ती में रियायत मिलने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं बार बार बिजली प्रवाह खंडित होने से घरों में समय व्यतीत कर रहे लोगों का जीना दुभर हो चुका है। इसी तरह बीते एक माह से मौसम के बदलते मिजाज के साथ ही बिजली विभाग का रवैया भी अब अड़ियल होता नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार बत्ती गुल होने से बिजली ग्राहकों का पारा चढ़ना स्वाभाविक है। वहीं अचानक बिजली प्रवाह बढ़ जाने से विद्युत उपकरणों में बिगाड़ उत्पन्न होने से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों से मोतीनगर में पावर सप्लाई बेतहाशा बढ़ने से कई घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर, बल्ब आदि विद्युत उपकरण नष्ट हुए हैं, जिससे लोगों में सख्त नाराजगी देखी जा रही है। पावर सप्लाई बढ़ जाने की वजह से हमारे फ्रिज, कूलर, मोटर और पंखे, लाइट्स वगैरह की दो चार बार प्रॉब्लम हो गई है। मैं MECB कर्मचारियों से, अधिकारियों से विनंती करूंगा कि जो मोतीनगर की प्रॉब्लम है पावर सप्लाई बढ़ जाने की, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। मालूम हो कि यहाँ रहने वाले मजदूर पेशा तबके के लोग सीमित संसाधनों के सहारे किसी तरह रोज मजदूरी कर अपना गुजर बसर करते हैं। कईयों ने पाई पाई जुटा कर अपने घर परिवार के लिए टीवी, कूलर आदि विद्युत उपकरणों की व्यवस्था की थी, लेकिन महावितरण द्वारा मानसून पूर्व नियोजन में कोताही की बदौलत बीते कुछ दिनों से मानसून पूर्व बारिश और बदलते मौसम की वजह से बिजली प्रवाह में लगातार जारी रुकावटों के चलते बिजली ग्राहकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मोतीनगर में 8 दिन में 4 दिन में रोज बढ़ रहा है। यहाँ के फ्रिज, टीवी यहाँ पे उड़ जा रही है। और ये जो हमारे पीछे जो आप DP देख रहे हैं, DP का एक फेज जाता है, एक बंद होता है, एक चालू होता है। इससे हमको यदि तकलीफ है यहाँ पे, इसके हमको MECB विभाग के अधिकारियों से विनंती है कि भाई हमारे को DP का भी सोल्यूशन निकाल के दो, और जो पावर जो बढ़ रहा है इसका भी हमारे को सोल्यूशन निकाल के दो। और यहाँ पे DP के पीछे हमें जानवर, बकरी भी यहाँ पे रहते, एक बार यहाँ पे बकरी भी चिपक गई थी। इस समस्या के संबंध में जब BCN ने महावितरण कार्यालय का रुख किया, तब वहाँ कार्यरत सहायक इंजीनियर रितेश बोबड़े से मुलाकात नहीं हो सकी। सूत्रों ने बताया कि वे छुट्टी पर है, जबकि उपरोक्त समस्या के बारे में पूछे जाने पर जानकारी मिली कि बारिश के कारण DP पर लोड बढ़ने से उक्त समस्या उत्पन्न हुई है। हालांकि मोतीनगर में DPDC के तहत झेंडा चौक की DP के अतिरिक्त एक और ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है, जिससे DP पर पड़ने वाला बिजली का लोड होगा और समस्या से निजात मिलेगी। इस बाबत मोतीनगर के नगर सेवक सैयद अकरम ने भी जानकारी साझा की है। MSEB के अभियंता श्री बोबड़े साहब ने मुझसे वादा किया कि DPDC के अंतर्गत मोतीनगर को एक ट्रांसफार्मर दिया जाएगा और जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई पूरी करके मोतीनगर में DPDC के अंतर्गत ट्रांसफार्मर बैठा जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसफार्मर कहाँ बिठाया जाए, तो कल MSEB के अधिकारी मोतीनगर में ट्रांसफार्मर की जगह देखने के लिए आ रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर बैठाया जाएगा। और जो प्रॉब्लम थी क्या वोल्टेज अचानक से कम हो जाना और वोल्टेज अचानक से बढ़ जाना, अचानक से ये सारी चीज़ें होने की वजह से MSEB को इसकी पता नहीं चले। और आज मैं वादा करता हूँ आपको कि भाई इस सारे मसलों का हल इंशाल्लाह 2-4 दिन में सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल मोतीनगर में DP में बिगाड़ और अनियमित बिजली प्रवाह की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। इस बारे में पहले भी महावितरण को कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन कोई पुख्ता हल नहीं निकाला गया। अब देखना होगा कि इस बार महावितरण की ओर से किया गया नए ट्रांसफार्मर का वादा कितना खरा साबित होता है। BCN न्यूज के लिए डिगरा से जुबैर खान की रिपोर्ट।